कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मनमोहन सरकार पर किया हमला, कहा 26/11 के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई नहीं करना कमजोरी की निशानी। मनीष तिवारी ने अपनी किताब में यूपीए सरकार पर सवाल उठाए, कहा 26/11 मुंबई हमले के वक्त जो कदम उठाए जाने चाहिए थे नहीं उठाए गए। मनीष तिवारी की किताब में दावे पर बीजेपी आक्रामक, कहा ये कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा। कहना गलत नहीं होगा कि जो तथ्य सामने आए हैं इसको कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा कहना ही उपयुक्त होगा। सोनिया राहुल गांधी से मांगा जवाब, पूछा उस वक्त सेना को क्यों नहीं दी गई छूट। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की किताब पर बीजेपी ने दिया नया टर्न, राम कदम ने कहा अब कांग्रेस नेता भी स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी सरकार का है 56 इंच का सीना। दुर्भाग्य से यह सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठे रही, आतंकी हमले को करारा जवाब, इसी को 56 इंच चौड़ा सीना कहते हैं। अब तो तुम्हारे कांग्रेस के नेता भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। सियासी हो हंगामे के बीच मनीष तिवारी ने फिर किया ट्वीट, 304 पन्नों की किताब के एक अंश पर बीजेपी की प्रतिक्रिया पर जताया आश्चर्य। बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने किया पलटवार, देवेंद्र यादव ने पूछा पुलवामा हमले के समय पीएम कहां थे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने मनीष तिवारी के दावे को बताया गंभीर, कहा 26/11 हमले ने भारत की सुरक्षा को किया था तार तार। अखिलेश और जयंत की मुलाकात से यूपी की सियासत गर्म, जयंत के बाद अखिलेश ने भी एक फोटो ट्वीट करके लिखा बढ़ते कदम। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी में 3 दर्जन सीटों पर बनी सहमति, जल्द गठबंधन का ऐलान। अखिलेश से आरएलडी ने मांगा डिप्टी सीएम का पद, सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी के आधा दर्जन नेता आरएलडी के टिकट पर लड़ सकते हैं चुनाव। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारी देखने नोएडा पहुंचे सीएम योगी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष पर निशाना साधा। किसी भी प्रोजेक्ट के साथ जब लोकार्पण की बात आती है कहते साहब हमने भी सोचा था इसको करने के लिए, तो मुझे लगता है कि उनकी सोच को बताने की आवश्यकता है कि कब शिलान्यास हुआ है। यूपी की राजनीति में सीएम योगी ने कराई फिर अब्बाजान की एंट्री, कानपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में ओवैसी पर जमकर बरसे। चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। कानपुर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, विपक्षी दलों की नजरों में है भारत के बंटवारे की जिम्मेदार जिन्ना का सम्मान। अखिलेश पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना, बोले समाजवादी पार्टी की सरकार में था गुंडा माफिया राज, योगी सरकार ने इसे खत्म किया। मायावती ने बीजेपी समाजवादी पार्टी पर किया वार, कहा मेरी सरकार के कामकाज को दोनों पार्टियां अपना बताती हैं। जब सपा इधर पावर में थी अब बीजेपी है तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के वो तो उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे। मायावती ने खोला अपना चुनावी प्लान, कहा यूपी की 86 सुरक्षित सीटों पर बीएसपी का रहेगा खासा जोर। ब्राह्मण वोटों पर मायावती की टिकी नजर, बोली बीएसपी ने ब्राह्मण समाज जोड़ने पर दिया जोर। रामगोपाल यादव का मुलायम पर लिखी किताब का अखिलेश यादव ने किया विमोचन, किताब का नाम राजनीति के उस पार। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने फिर उठाया कॉमन सिविल कोड का मुद्दा, इलाहाबाद हाई कोर्ट का दिया हवाला। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में एक देश एक कानून के ऊपर विचार करने को कहा है कॉमन सिविल कोड को लेकर, यह विचारणीय है क्योंकि देश हित में है। पंजाब चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने फेंका पासा, बोले हम कांग्रेस का कचरा नहीं चाहते वरना शाम तक कई नेता आम आदमी पार्टी में आ जाएं। कांग्रेस में
भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। केजरीवाल का पंजाब के शिक्षकों से वादा, सरकार बनी तो कर देंगे स्थायी। बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश के मंत्री की तीखी टिप्पणी, कहा कारोबारी और पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे पुलिस। इसको मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से इस पर काम करना चाहिए कि कहां से शराब आ रहा है, पहले उस जगह को ठीक करना चाहिए। शराबी कौन कौन है उसको लिस्टेड करना चाहिए, या कौन संगठन शराब बेचने का काम कर रहा है वो चिन्हित करना चाहिए ऐसे लोगों को। चारा घोटाले में पटना में आई सीबीआई कोर्ट के सामने पेश हुए लालू यादव, 30 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। बांका कोषागार से अवैध 86 लाख के निकासी मामले में लालू की हुई पेशी, कोर्ट से बाहर निकलते ही महिलाओं ने लगाए जिंदाबाद के नारे। कीर्ति आजाद ने कांग्रेस का छोड़ा दामन, अशोक तंवर के साथ टीएमसी में शामिल जेडीयू के पूर्व महासचिव पवन वर्मा भी तृणमूल में पहुंचे। टीएमसी में शामिल होते ही अशोक तंवर ने ममता का किया गुणगान, कहा बीजेपी को सिर्फ ममता ही हरा सकती है। कई नेताओं के टीएमसी में शामिल होने पर ममता ने भरी हुंकार, कहा बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता। कृषि कानूनों को हटाने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की कल अहम बैठक, पीएम मोदी के आवास पर होगा मंथन। चुनावी मौसम में तेल की कीमतों कम करने के लिए केंद्र की दूसरी पहल, पेट्रोलियम रिजर्व से 5 लाख मिलियन बैरल कच्चा तेल रिलीज करने की तैयारी। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बन रही। पुतिन की भारत यात्रा से पहले रक्षा मंत्रालय का बड़ा कदम, 7.5 लाख AK-203 के निर्माण को लेकर डील को दिखाई हरी झंडी। कानपुर में बीजेपी के बूथ सम्मेलन में एक युवक की जमकर पिटाई, युवक पर सीएम को की होर्डिंग फाड़ने का आरोप। मुजफ्फरनगर में ओम प्रकाश राजभर गर्जे, कहा आरक्षण बचाने के लिए अखिलेश यादव को सीएम बनाना लक्ष्य। बाड़मेर में बीजेपी पार्षद पर हमला, सीसीटीवी के जरिए सुराग तलाशने में जुटी पुलिस। झारखंड में नक्सलियों का 3 दिनों का बंद, राज्य की पुलिस अलर्ट, नक्सल प्रभावित जिलों की खास एहतियात। अरुणाचल के ईटानगर में 12 घंटे के बंद के दौरान हिंसा, पुलिस की गाड़ी समेत बस को प्रदर्शनकारियों ने जलाया। मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए हमले की जांच एनआईए से कराने की तैयारी, गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर। पंजाब के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के घर के बाहर नोटिस चस्पा, कोर्ट के आदेश पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर के घर के बाहर नोटिस चस्पा, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई। मुंबई में गैंगस्टर रियाज भाटी पर वर्सोवा थाने में केस दर्ज, बिजनेसमैन से की थी करीब 25 लाख की वसूली। नांदेड़ के कमथा इलाके में एनसीबी ने ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी, 3 लोग गिरफ्तार। मुंबई के खार में कंगना रनौत पर FIR, सिख समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। वैक्सीन की बूस्टर डोज पर नीति आयोग का बयान, वीके पॉल ने कहा ज्यादातर लोगों को 2 डोज लगने के बाद लगेगी बूस्टर डोज। जयपुर के जयश्री पेड़ीवाल स्कूल के 11 बच्चे कोरोना संक्रमित, बंद कराया गया स्कूल। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सभी पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी, नियम तोड़ने वाले पेट्रोल पंप को किया जाएगा सील। ईपीएफओ के अधिकारी और एक शख्स को हरियाणा से सीबीआई ने गिरफ्तार किया, 1 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। झज्जर में एक नव विवाहिता ने की खुदकुशी, परिवार वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। हिमाचल के हमीरपुर में 2 छात्राओं की मारपीट का वीडियो वायरल, बस की सीट को लेकर भिड़ी दोनों लड़कियां। कोलकाता में एक महिला की छत से लटकी मिली लाश, घर में नौकरानी का काम करती थी मृतक, पुलिस की जांच जारी। बिहार के सहरसा में लुटेरों का गैंग चढ़ा पुलिस के हत्थे, लूट की वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। ग्रेटर नोएडा में धरे गए 2 चोर, कई मामलों में थी पुलिस को इनकी तलाश। सोनीपत में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात, महिला के साथ परिवार के ही लोगों ने गैंग रेप किया। अमेठी में पति ने पीट पीट कर पत्नी को मार डाला, पुलिस के अनुसार मामला पारिवारिक रंजिश का था। दिल्ली के शाहदरा में पुलिस ने शातिर झपटमार को दबोचा, 100 से ज्यादा वारदात को अंजाम दे चुका है। मुंबई के डोंबिवली में रेलवे पुलिस ने मोबाइल झपटमार को पकड़ा, चलती ट्रेन से मोबाइल छीनकर भाग रहा था बदमाश। साहिबाबाद की एक स्टील कंपनी के ऑयल टैंक में लगी भीषण आग, आग बुझाने में जुटी 4 दमकल गाड़ियां।
मोतिहारी में मुखिया के परिवार की पिटाई का वीडियो वायरल, सियासी रंजिश में हुई मारपीट। इंदौर में युवक की पिटाई पर नपा पुलिसवाला, महज 500 नहीं देने पर एएसआई ने की थी पिटाई। भदोही में क्लोन चेक बनाकर 2 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया, 9 ठगों को पुलिस ने पकड़ा। झुंझुनू में एक छात्रा के अपहरण से सनसनी, शादी में शामिल होने आई थी लड़की, परिवार वालों को टीचर पर शक। राजस्थान के बाड़मेर में एक बीजेपी नेता पर हमला, पूरी वारदात सीसीटीवी में, पुलिस कर रही है हमलावरों की तलाश। सोनीपत में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, फ्लाईओवर पर पलटी बेकाबू कार, एक की मौत, कई जख्मी। राजकोट में कार और बस की टक्कर, हादसे में 5 सवारियों की मौत। झारखंड के धनबाद में बेकाबू कार खाई में गिरी, 5 की मौके पर मौत। बिहार के मुंगेर में ट्रक ने मारी ऑटो को टक्कर, 4 की मौत, कई घायल। फलों सब्जियों की महंगाई से परेशान लोगों पर महंगाई और कहर बरपाने के लिए तैयार, कच्चे माल के महंगा होने से कपड़ों, मोबाइल और टीवी के दाम 5 से 6% बढ़ने की आशंका। आरबीआई ने तैयार की पीएमसी बैंक की समाधान योजना, इसके बाद बैंक के ग्राहकों को 3 से 10 साल में वापस मिल जाएगी बैंक में जमा पूरी रकम। पेटीएम की फ्लॉप लिस्टिंग ने 2 दिन में साफ किए निवेशकों के 50,000 करोड़, कंपनी के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने कहा शुरू में टेस्ला भी ऐसे ही लुढ़की थी। आईपीओ लाने की योजना को कुछ समय के लिए टाल सकती है मोबीक्विक, आईपीओ वैल्यूएशन में 30 से 40% की कमी आने पर 2 से 3 महीने के लिए खिसक सकता है प्लान। रिलायंस को पछाड़कर मार्केट कैप में एचडीएफसी ग्रुप बना टाटा ग्रुप के बाद दूसरा सबसे बड़ी कंपनी, रिलायंस के 15.25 लाख करोड़ के मुकाबले 15.5 लाख करोड़ का हुआ एचडीएफसी ग्रुप।